ऐश ने पांव छुए तो बिग बी ने अपनी नई नवेली बहू को कलेजे से लगा लिया, प्यार भरी थपकी दी और साथ में यही दुआ कि उनका दामन खुशियों से भरा रहे, वो दूधो नहाए पूतो फले। बिग बी की ये दुआ मौके और दस्तूर के मुताबिक ही थी, क्योंकि ऐश और अभिषेक हनीमून के लिए निकल रहे थे, यानी आ गई थी वो घड़ी जिसके इंतजार में बॉलीवुड के शहजादे ने हुस्न परी के साथ मिलकर इश्क के आसमान में सतरंगी सपने सजाए थे। बॉलीवुड का शाही जोड़ा हनीमून के हसीन सफर पर कहां जाएगा, इसे लेकर तमाम तरह की कयासबाजी हो रही थी। वेनिस से लेकर स्विट्जरलैंड तक के नाम हवा में थे, लेकिन बच्चन परिवार ने कोई खुलासा नहीं किया, क्योंकि सभी जानना चाहते थे कि ऐश अभिषेक हनीमून के लिए कौन सी जगह चुनेंगे, कहां वो मनाएंगे अपने प्यार का पहला मधुमास। आखिरकार 26 अप्रैल की शाम जब ऐश और अभिषेक मुंबई के छत्रपति शिवाजी हवाई अड्डे पर पहुंचे, तो पता चला कि वो हनीमून मनाने ताहिती जा रहे हैं। ताहिती प्रशांत महासागर का एक छोटा सा मगर बेहद खूबसूरत द्वीप। कुदरती खूबसूरती से मालामाल इस द्वीप पर बॉलीवुड की सबसे हसीन जोड़ी के कदम पड़ेंगे तो शायद वो सरजमी जन्नत ही बन जाएगी। हनीमून पर निकलते वक्त ऐश और अभिषेक अकेले नहीं थे, बेटे बहू को विदा करने जया और अमिताभ भी उनके साथ आए थे। मायनगरी का शहंशाह एक बार फिर आम बाप की तरह अपने लाडले बेटे पर प्यार बरसाता नजर आया। शादी की तरह हनीमून के मौके पर भी अभिषेक ने दाढ़ी बढ़ा रखी थी, शायद उनकी प्रियतमा भी अपने रफ एंड टफ पति के इस मर्दाना लुक पर फिदा हो गई हैं। खैर बिग बी तो हवाई अड्डे पर बेटे बहू के साथ थे, लेकिन जया बच्चन कार में ही बैठी थी। ऐश ने वहीं जाकर अपनी सास का आशीर्वाद लिया और फिर दो प्यार भरे दिल रोमांस की राह पर निकल पड़े। हनीमून के सफर पर ऐश और अभिषेक का कदम कुछ यूं बढ़ रहे थे जैसे अरमानों को पंख लग गए हों। इश्क को दिलबर के बाहों की पनाह मिल गई हो तो जिस्म एक जा हो गए हो। आज तक ब्यूरो।